हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज तक अच्छे से वर्क करे होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें सीखने वाले हैं वो जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टू डू ऐप हो गया जो हम टेबल में बनाते हैं, वो तो आपको बेसिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आज आपको सिंगलटन क्लास सिखाऊंगा, जो डिज़ाइन पैटर्न होती है वो ऑलरेडी हमने कोर डेटा में किया हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ पे करेंगे उसको। एंड थर्ड चीज़ की जो डेटाबेस होता है, रियल टाइम डेटाबेस, जो अभी काफ़ी पॉपुलर है, वो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेमो बताता हूँ कि हम ये वीडियो में आज करने क्या वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट की लिस्ट है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, और ये मेरा रियल एम डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे डेटा ऐड होगा, जैसे कि सोचो कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि ऐड कॉन्टेक्ट डिटेल। मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ योगेश और लास्ट नेम ले रहा हूँ पटेल। इसको सेव किया, देखो यहाँ पे ऐड हो गया, वो बहुत जल्दी ऐड हुआ ये। ठीक है, उसके बाद आप स्वाइप करोगे तो दो बटन होंगे, एक बटन डिलीट का होगा, अगर क्लिक करने पे वो डिलीट हो जाएगा, और एक बटन होगा जिसमें जैसे कि ये है, आपने एडिट किया तो फिर से अलर्ट ओपन होगा। यहाँ पे प्लेस होल्डर में जो भी नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद इसको अपडेट करते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि अभिजीत अपडेट लिख देते हैं और कोटांगले लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। इसको अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट हो, यहाँ पे भी अपडेट हो गया। ठीक है, ये बेसिकली मेरा हमारा रियल एम का डेटाबेस का ये पूरा जो है वो, जिसमें टूल है जिसमें हमको दिखता है कि डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोचे कि अगर इस ऐप को मैं बंद करके फिर से मैं रन करता हूँ, मैं तो जो भी डेटा हमने डाला होगा वो फिर से रहेगा, क्योंकि ये स्टोरेज है, डेटाबेस है, तो लोकल वो डिवाइस के अंदर स्टोर होगा। तो ये चीज़ हमें सीखनी है आज। ठीक है, तो हम ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले ना गाइस, इसमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो सिंपल टेबल यू करना पड़ेगा पहले हमें, जिसमें हम क्लिक करने पे डेटा को हमने टेबल पे ऐड किया, एडिट किया, डिलीट किया, तो सिंपल पहले करेंगे, फिर रियल एम डेटाबेस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जब रियल एम करेंगे, जब उसके बाद जो सो क्रूड ऑपरेशन जो हम करेंगे उसके लिए हेल्पर क्लास करेंगे। इस तरीके से फ्लो में करते हैं अपने। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना के इसको करते हैं। एक्सकोड ओपन करो, प्रोजेक्ट क्रिएट करो, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टू डू ऐप, रियल नाम नाम दे देता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेबल अगर बेसिक आइडिया होगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, तो अभी क्या करते हैं, पहले तो स्टोरी बोर्ड में जाता हूँ। स्टोरी बोर्ड में एक टेबल यू ले लेते हैं और सब जगह से इसको जीरो कंस्ट्रेंट दे दो। ठीक है, उसके बाद इतना हो जाने के बाद यहाँ पे बटन पे क्लिक करके एडिटर में जाके नेविगेशन को ऐड कर दो। ओके, क्योंकि हमें नेविगेशन बार में हमें वो प्लस बटन चाहिए इसलिए। उसके बाद लिखो बार बटन आइटम और आइटम यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे कस्टम में जाके ऐड कर देना तो प्लस बटन आ जाएगा। उसके बाद ये जो वाइट जो आ रहा है वो नेविगेशन बार को क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे टाइटल है, इसमें एक नेविगेशन बार होगा ये रहा, उसमें क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लार्ज टाइटल, तो लार्ज टाइटल इनेबल कर देना तो थोड़ा लार्ज दिखेगा अपने को। ठीक है, इतना कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हमें व्यू कंट्रोल मतलब स्टोरी बोर्ड में करना था। अभी अपने डायरेक्ट जाते हैं व्यू कंट्रोल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मेरा टेबल है उसके आउटलेट बना देता हूँ मैं अभी लिए, इसका नाम कॉन्टैक्ट टेबल दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट टेबल व्यू। एंड ये जो बटन है तो बटन की यहाँ पे मैं एक्शन बना देता हूँ कि ऐड कॉन्टैक्ट बटन टैप। ओके, अभी है ना हमें इसमें मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एरे या डिक्शनरी यूज़ नहीं करेंगे, मॉडल यूज़ करना पड़ेगा जिससे थोड़ा आसानी रहे करने में। तो पहले तो यहाँ पे एक्सटेंशन बना देता हूँ व्यू कंट्रोल का, जिसमें मैं यू आई टेबल यू डेटा सोर्स मेथड में करूँगा। ये होने के बाद उसमें दो मेथड होती है, एक होती है अपनी नंबर ऑफ रो और एक होगी हमारी सेल्फ और रो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और एक्सटेंशन बनाता हूँ मैं व्यू कंट्रोल का, जिसमें मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन करके। तो जो भी हम कम है जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हम यहाँ पे करेंगे, तो डिड लोड में एक कॉन्फ़िगरेशन कॉल करवा देता हूँ मैं, इतना सिंपल रखा है थोड़ा। ठीक है, तो डिड लोड में क्या ज़्यादा कोड अपना ना रहे, इसलिए ज़्यादातर तो लोग हम ऐसा करते कि मॉडल की हम फाइल अलग से बनाते हैं, बट मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जिससे हमें दिखे वो अंडरस्टैंड हो, इसलिए आप अलग से मॉडल क्लास बना देना। तो मैं क्लास बना रहा हूँ कॉन्टेक्ट का। ठीक है, उसके अंदर दो पैरामीटर दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक फर्स्ट नेम है जो स्ट्रिंग है और एक लास्ट नेम है बरोबर, वो भी स्ट्रिंग है क्योंकि हमें दो चाहिए थे इसलिए। और इनिशियलाइज बना देता हूँ अपना, जिसमें आप फर्स्ट नेम डालना स्ट्रिंग में बरोबर और एक लास्ट नेम डालना स्ट्रिंग में,
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम। मतलब सेल्फ डॉट मतलब ये सेल्फ मतलब ये कॉन्टेक्ट का फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू ये वाला फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से असाइन कर दिया। तो ये मेरा क्लास हो गया। तो जो मेरा एरे होगा, मेरा कॉन्टेक्ट का एरे होगा बरोबर, वो होगा मेरा ये वाला क्लास का एरे, ठीक है, इस तरीके से होगा। मैंने क्लास क्यों यूज़ किया, स्ट्रक्चर क्यों यूज़ नहीं किया, वो मैं बाद में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है तो काम आएगा अपने को। तो और ज़्यादातर डेटाबेस में जब यूज़ करते हैं ना तो हम क्लास ही बनाते हैं, क्योंकि रेफरेंस टाइप होती है तो क्या वो अपडेट डिलीट भी करोगे ना तो वो तुमको असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एरे को, वो खुद से अपडेट हो जाएगा अपने एंड से, मैं बताऊँगा तुमको। तो इतना चीज़ कर लिया हमने बरोबर। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अलर्ट दिखाना पड़ेगा जब प्लस पे क्लिक करेंगे तब। तो यहाँ पे एक अलर्ट कंट्रोल बना दो, आई होप कि तुम्हें अलर्ट कंट्रोल पता होगा। अलर्ट कंट्रोलर इज इक्वल टू यू अलर्ट कंट्रोलर, टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, और मैसेज में दे देता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ये तो अलर्ट ही होगा। उसके बाद इसमें दो बटन रखते हैं, चलो कोई नहीं, एक बटन रखते हैं हम सेव के लिए जो होगा यूआर अलर्ट एक्शन, और इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं सेव, और स्टाइल डिफ़ॉल्ट दे देना, और हैंडलर में यहाँ पे अभी अभी के लिए कुछ नहीं करना है बरोबर। अभी उसके अंदर एक कैंसिल बटन ऐड कर देते हैं जिसके अंदर होगा यूआर अलर्ट एक्शन, यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ कैंसिल, स्टाइल मिला होगा कैंसिल, और हैंडलर में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कोई भी बटन पे क्लिक करोगे ना तुम, या यहाँ वो सेव हो या कैंसिल हो, तो डिसमिस तो वो खुद से हो जाता है, तो हमें उसके लिए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको सिंपली प्रेजेंट कर देता हूँ मैं अलर्ट कंट्रोलर को, और एनिमेटेड ट्रू, और कंप्लीशन की ज़रूरत नहीं है। इतना करोगे ना तुम लोग तो वो प्रेजेंट हो जाएगा बरोबर। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो अलर्ट कंट्रोल है उसमें ऐड एक्शन करके तुमको सेव बटन और कैंसिल बटन दोनों डालने पड़ेंगे। अगर ये दोनों नहीं डालोगे तुम लोग तो बटन नहीं दिखेगा बरोबर। तो ये दोनों ज़रूरी है, अलर्ट कंट्रोल के तुमको एक्शन ऐड करनी पड़ेगी। इतना हो जाने के बाद अगर इसको इतना मैं रन करूँ अगर, ठीक है, तो होगा क्या पता है, प्लस के क्लिक पे एक सेव और कैंसिल के दो बटन होंगे, एंड टाइटल मैसेज आएगा, बस इतना अभी फिलहाल आएगा अपने लिए, ऐसा होगा, ठीक है। तो किसी पे भी क्लिक करोगे तो डिसमिस तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि बटन पे डिसमिस तो वो हो जाता है, तो हमें खुद से करना नहीं पड़ता उसको, तो तुम्हें सिंपली प्रेजेंट करना है अलर्ट कंट्रोल को। तो ये चीज़ हो जाने के बाद अभी हमें इसमें टेक्स्ट फील्ड डालनी थी, तो टेक्स्ट फील्ड डालना भी बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है वो। देखो तुमको ना सिक्वेंस याद रखने के, किस सिक्वेंस में तुम दे रहे हो, मतलब अलर्ट कंट्रोलर डॉट एड टेक्स फील्ड, यहाँ पे एंटर करके मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम फील्ड, ठीक है, तो फर्स्ट नेम फील्ड का प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, इसको कॉपी करके दो बनानी है अपने को, तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा लास्ट, और यहाँ पे नाम देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पे होगा लास्ट नेम फील्ड, ठीक है, ये तुम्हारा अब तक ये यहाँ तक सही है। यहाँ पे नाम अपना आंसर दे सकते हो, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम के लिए चाहिए तो फर्स्ट नेम फील्ड दे दिया, लास्ट नेम के लिए तो लास्ट नेम फील्ड दे दिया। इसमें कुछ ऐड एक्शन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐड टेक्स्ट फील्ड किया तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा वो, इस तरीके से, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम और एंटर योर लास्ट नेम। अभी मेन बात इसमें ऐसा है कि जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों को चाहिए, हमको दोनों जो भी लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने योगेश लिखा है और लास्ट नेम में अगर मैंने पटेल लिखा है, तो सेव के क्लिक पे मुझे योगेश पटेल दोनों चाहिए होंगे। तो सेव के क्लिक पे यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इफलेट लगा दो कि फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अलर्ट कंट्रोल डॉट टेक्स फील्ड्स। अब याद रखना तुमने मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड ऐड किए, मतलब अलर्ट कंट्रोल मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड अलाउ करता है, तो जब तुम टेक्स्ट फील्ड्स लिखोगे तो तुम्हें वो टेक्स्ट फील्ड का पूरा एरे देगा, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फील्ड का एरे में फर्स्ट वैल्यू जो होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट नेम होगा और सेकंड इंडेक्स पे लास्ट नेम होगा। तो मैं यहाँ पे डॉट करके फर्स्ट कर देता हूँ, डॉट टेक्स्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे लेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू अलर्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट फील्ड्स, और यहाँ पे वन नंबर पे मुझे मिलेगा लास्ट नेम, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। आप इफलेट में इस तरीके से लिख सकते हो, लेट लिख के बाद कॉमा करके दूसरा लेट भी साथ में लिख सकते हो बरोबर। तो अगर आप अभी देखोगे तो आपको जो है, आप जो भी लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे योगेश
और यहाँ पे पटेल लिखता हूँ, आप सेव करोगे तो यहाँ पे देखो योगेश पटेल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना डॉट सेकंड नहीं होता, फिर ऐसा मत सोचना कि सेकंड क्यों नहीं गया, सेकंड नहीं होगा। मैं यहाँ पे जीरो भी लिखूंगा ना स्क्वायर ब्रैकेट में, या फर्स्ट लिखा, दोनों सेम है, मतलब उसमें दोनों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिंपल अलर्ट जिसमें दो टेक्स्ट फिल हमने ऐड किया और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हमने सेव बटन पे गेट किया। अभी तुम्हारा काम ये है कि जब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तुमको मिल रहा है, उसको तुमको स्टोर करना है इस एरे के अंदर, और ये एरे जो होगा वो टेबल पे जाएगा और उसके बाद हम टेबल को रिलोड करेंगे, ठीक है। सिंपल अप्रोच है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा जो कॉन्टेक्ट एरे का काउंट, ठीक है। आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि एक बार ही रिटर्न करना है, तो डायरेक्ट एक लाइन होगी जो यही रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न नहीं लिखोगे तो चलेगा। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गार्ड लेट सेल इज इक्वल्स टू टेबल व्यू डॉट डिक्यूरेबल सेल। ये डिक्यूरेबल सेल मतलब सेल को रीयूज करता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, बट मुझे लगता है कि इतना तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। टेबल व्यू का रिटर्न सेल, तो सेल डॉट टेक्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट एरे इंडेक्स पाथ डॉट रो डॉट फर्स्ट नेम और डॉट लास्ट नेम डिटेल टैक्स लेबल। ये जो है वो डिफॉल्ट सेल है टेबल यू की जो प्रोवाइड करता है, तो आपको इसके लिए उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सेल को। कॉन्टेक्ट टेबल यू डॉट रजिस्टर यू आई टेबल यू सेल डॉट सेल। मैं एक बार इसको कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद तुमको यहाँ पे लेट कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट, आप फर्स्ट नेम पास कर दो, लास्ट नेम पास कर दो, जो फर्स्ट नेम आ रहा है और लास्ट नेम आ रहा है वो पास कर दो। और यहाँ पे जो तुम्हारा सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट कह रहे हैं डॉट अपेंड, अभी यहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हें वो कॉन्टेक्ट जो है वो डालने के लिए बोल रहा है, तो कॉन्टेक्ट तो हमने एक्चुअली बना के रखा है पहले से ही, तो बस आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टेक्ट डाल दो। और है ना, जब भी तुम कॉन्टेक्ट डालने के बाद टेबल को रिलोड करना मत भूलना, ठीक है। अगर टेबल रिलोड नहीं करोगे ना, तो ये दोनों मेथड कॉल नहीं होगी, अगर ये मेथड कॉल नहीं होगी तो डेटा नहीं दिखेगा, तो टेबल रिलोड करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार तुमने ये सारी चीज़ कन्फिगर कर दी, तुमने सेल भी रजिस्टर कर दिया, बट याद रखना जब तक टेबलों का डेटा सोर्स नहीं दोगे तब तक ये दोनों मेथड कॉल नहीं होगी। तो यहाँ पे जाके कन्फिग्रेशन फंक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट टेबल यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू सेल्फ दे देना। अभी इसको रन करना, प्रॉपर चलेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या सीन हो रहा है। अभी आप इसमें जैसे लिखोगे योगेश और पटेल, तो वो योगेश पटेल टेबल में आएगा, अभी के लिए सिर्फ योगेश आएगा, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहले ना ये डिफॉल्ट सेल आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। एप्पल जो है वो सेल प्रोवाइड करता है, तो हम डिफॉल्ट सेल इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, हमें सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ना, इसके अंदर डिक्यूरेबल सेल मतलब ये जो सेल होती है ना वो एक ही होती है, तो उसको वो डिक्यू रीयूज करता रहता है वो, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, मैंने बहुत वीडियो बनाया है टेबल के बारे में, आप उसको देख लेना, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट लेबल मतलब टाइटल और डिटेल टेक्स्ट लेबल मतलब सब टाइटल, तो आपको ना यहाँ पे वार करना है और यहाँ पे इसको बोल बता देना है कि मुझे जो स्टाइल है ना वो सबटाइटल वाली चाहिए, तो आप यहाँ स्टाइल में आपको सबटाइटल देना है और यहाँ पे सेल दे दो। याद रखना जब तुम रजिस्टर करते हो उस टाइम पे जो सेल तुमने आइडेंटिफायर दिया है वही सेल का आइडेंटिफायर सबको देना है। और अगर आप इसको अभी रन करोगे तुम्हें योगेश पटेल नहीं दिखेगा, मतलब अभी तो डेटाबेस में तो सेव नहीं हुआ वो, तो अगर मैं फिर से ऐड करूँगा तो वो दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं तुमको एक और बार बताता हूँ, जैसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तुमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मार देता हूँ, तो कॉन्टेक्ट का जो क्लास है उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड किया, उसके बाद हमने एरे में उसको अपेंड किया, फिर हमने टेबल को रिलोड किया। टेबल को नहीं रिलोड करोगे तो टेबल में दिखेगा नहीं फिर वो, ठीक है। तो टेबल में दिखाने के लिए टेबल को रिलोड करना पड़ता है। हर बार हम ऐसा करते हैं कि जब हमारा एरे जो होता है वो एरे जब उसके पास जब लेटेस्ट वैल्यू आ जाए उसके बाद हम टेबल को रिलोड कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझ ना आए तो मेरा वीडियो देख लेना टेबल यू का, मैंने बहुत बनाया टेबल के ऊपर, ठीक है। बेसिकली डिफॉल्ट सेल का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बरोबर। इतना हो जाने के बाद अभी इसके अंदर एक और चीज़ ये थी कि जब हम स्वाइप करेंगे इसको तो हमें दो बटन दिखाने था, एडिट और डिलीट, हमें ऐसा करना था, बरोबर। तो उसके लिए तुमको है ना डेलीगेट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन बना देता हूँ व्यू कंट्रोल का, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट मेथड। इसमें है ना टेबल व्यू का ट्रेलिंग करके एक मेथड आती है, ट्रेलिंग स्वाइप। ये ट्रेलिंग स्वाइप मेथड जब आप राइट ट्रेलिंग मतलब राइट साइड से, तो राइट साइड जब आप तुम स्वाइप करोगे तो यहाँ पे बटन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बटन रखता है एडिट का, इसमें यूआई कॉन्टेक्चुअल एक्शन होता है, ये सेम एज अ अलर्ट एक्शन जैसा है,
ठीक है, जिसमें इसमें अलर्ट कंट्रोल में कैसा अपना अलर्ट एक्शन आता है, बरोबर, इसमें कॉन्टेक्स्चुअल एक्शन आता है। इसमें दो स्टाइल ही होंगे, नॉर्मल वाला और एक डिस्ट्रक्टिव। तो मैं नॉर्मल रखता हूँ, यहाँ पे नाम दे दो एडिट। हैंडलर में कुछ इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, तो सबको अंडरस्कोर कर देना, ठीक है, इतना करो। उसके बाद एक और बटन बना दो डिलीट के लिए, यूआई कॉन्टेक्स्चुअल एक्शन, स्टाइल यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, डिलीट। यहाँ पे सेम हैंडलर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो कि स्वाइप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तुम्हें बोल रहा है कि रिटर्न करने के लिए, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्वाइप कॉन्फ़िगरेशन इज़ इक्वल टू यूआई स्वाइप कॉन्फ़िगरेशन एक्शन, यहाँ पे डाल दो एडिट और डिलीट को, और यहाँ पे रिटर्न कर दो स्वाइप कॉन्फ़िगरेशन को, बरोबर। अभी दोस्तों एक चीज़ याद रखना, डेलीगेट मेथड को सेल्फ देना पड़ेगा वरना वो कॉल नहीं होगा। यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट टेबल यू डेलीगेट इज इक्वल्स टू सेल्फ, यहाँ पे क्लिक करो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे योगेश पटेल, सेव। स्वाइप में दो बटन आएंगे, डिलीट और एडिट, बरोबर। तो मैं ऐसा सोच के जा रहा हूँ कि तुम लोगों को टेबल यू नहीं पता, ओके, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी। अगर आपको पता है तो आगे बढ़ जाना, थोड़ा इसको स्किप कर देना। टेबल यू की जो डेटा सोर्स मेथड होती है वो उसका काम होता है यूआई को प्रेजेंट करना, सिर्फ यूआई दिखाती है वो, बरोबर। तो आपको डेटा सोर्स सेल्फ दोगे तभी जाके ही ये दो मेथड कॉल होगा। और जब भी आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, क्लिक करना हो, स्वाइप करना हो, आप टेबल पे क्लिक कर यूज़र इंटरेक्शन कर रहे हो, उस टाइम पे डेलीगेट आता है टेबल का, बरोबर। तो उसको डेलीगेट सेल्फ दोगे तभी जाके ये वाली मेथड कॉल होगी जब तुम स्वाइप करोगे तब। तो ये दोनों चीज़ थी पहले, बरोबर। मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है कि सेल्फ और आप नहीं समझे होंगे। सेल्फ और में क्या होता है कि तुम कस्टम सेल हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, बरोबर। हम क्या करते हैं, स्टोरी बोर्ड में जब जाते हो ना, तो यहाँ पे टेबल में जाके यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल एक ऐड करने के बाद यहाँ पे तुम सेल बनाते हो, ये टेबल सेल होते हैं ना, तो उसमें कस्टम बनाते हैं। बट यहाँ पे और स्टाइल है, मैंने सब टाइटल वाले यूज़ किए, मैंने एक्चुअली यहाँ पे और भी स्टाइल है, ठीक है। तो मैंने जो है वो प्रोग्रामेटिकली बनाई, प्रोग्रामेटिकली मैंने सब टाइटल किया, मतलब यहाँ पे मैंने कोई सेल ही नहीं लिया, यहाँ पे जीरो है, बरोबर। तो मैंने क्या किया, व्यू कंट्रोल के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्ट, ये जो है कॉन्टेक्ट टेबल मैंने रजिस्टर किया सेल, मतलब ये मैंने सेल बना दिया। जो तुम वहाँ पे एक नंबर करते हो ना स्टोरी बोर्ड में, वैसे मैंने यहाँ पे वहाँ पे जीरो ही रखा। मैंने प्रोग्रामेटिकली सोच लो कि एक नंबर मैंने कर दिया प्रोग्रामेटिकली, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो मैंने सेल को रजिस्टर किया, उसका आइडेंटिफायर सेल रखा, उसके बाद उसी आइडेंटिफायर मैंने रखा यहाँ पे। और डिफॉल्ट सेल जो होता है ना, उसमें स्टाइल तुम इस तरीके से दे सकते हो कि मुझे सब टाइटल चाहिए, नहीं लिखोगे तो वो एक ही दिखाएगा लेबल, डिफॉल्ट में एक ही लेबल दिखता है, सब टाइटल में दो लेबल दिखते हैं। अगर टाइटल को तुमको टाइटल दोगे तो टेक्स्ट लेबल टाइटल होगा और डिटेल टेक्स्ट लेबल तुम्हारा सब टाइटल होगा, तुमको सेल को रिटर्न करना है, बरोबर। कॉन्टैक्ट करे का इंडेक्स पाथ डॉट रो, मतलब यहाँ पे तुम्हें रो मिलेगी जितना तुम काउंट दोगे उतना, उसमें से तुमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैंने यहाँ पे सेट किया है, बरोबर। और ट्रेलिंग स्वाइप में ये बटन की एक्शन बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, और इसको हमने रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे जो सिक्वेंस है वो आपको बरोबर ना लग रहा हो, मे बी आपको एडिट को पहले लाना हो, तो आप ये डिलीट वाले को आगे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है उसका उल्टा सीक्वेंस वहाँ पे आता है, बरोबर। ऐसा है इसमें, तो आप इसको रन करो तो अभी पहले एडिट आएगा फिर डिलीट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे योगेश लिखूँगा और पटेल लिखूँगा, सेव करूँगा, तो यहाँ पे देखो एडिट और डिलीट आया, ठीक है। अगर आपको एडिट का कलर चेंज करना तो तुम कर सकते हो, यहाँ पे एडिट का बैकग्राउंड कलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको यूज़ करना हो, सिस्टम मिंट यूज़ करना हो तो भी यूज़ कर सकते हो। आपने हर बार देखा, जब भी मैं ऐप रन करता हूँ ना, तो मेरा प्रीवियस वाला जो रिकॉर्ड यहाँ पे होता है वो निकल जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली लोकल स्टोर नहीं हुआ है, डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ होता ना, इसलिए। तो वो अपने करेंगे ना अभी, आगे ही करेंगे इसी वीडियो में, तो जिससे वो स्टोर हो जाएगा हमारा। देखो ऐसा भी कर सकते हो, कलर भी तुम चेंज कर सकते हो, ऐसा कलर अभी के लिए रखते हैं, थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ बतानी थी, जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल वो ग्रे कलर दिखाता है, जैसे अभी पहले एडिट वाला बटन का कलर था ऐसे, और डिस्ट्रक्टिव रेड दिखाता है, ठीक है। सेम डिस्ट्रक्टिव अगर यहाँ पे दोगे तुम, अलर्ट एक्शन में भी तीन स्टाइल आते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, डिफॉल्ट और कैंसल, तो डिस्ट्रक्टिव भी रेड होता है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब यहाँ पे एडिट की क्लिक पे मुझे फिर से अलर्ट को ही दिखाना था, ठीक है, तो अलर्ट दिखाना था मुझे, तो ये वाला सेम अलर्ट जो है उसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पूरा अलर्ट को,
और यहाँ पे मैं यहाँ पे आएगा मेरा नाम अपडेट कॉन्टैक्ट, प्लीज़ अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और जब तुम्हें ना यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो मिलेगा, ठीक है, मतलब जो भी रो पे सिलेक्ट करोगे वो रो तुम्हें मिलेगी। तो तुम्हें क्या करना है कि सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट कह रहे इंडेक्स पाथ डॉट रो, जो भी रो सिलेक्ट हुई उसका फर्स्ट नेम जो होगा ना वो इसका प्लेस होल्डर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नेम भी ऐसा कर दो कि जो भी रो सिलेक्ट होगी उसका जो लास्ट नेम होगा ना वो लास्ट नेम का प्लेस होल्डर होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रेजेंट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम एडिट वाले क्लोजर में ना, इसलिए ये वाला क्लोजर है इसलिए, ठीक है। अभी आप इसको रन करोगे ना, जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे योगेश और पटेल लिखा, बरोबर। अब तुम सेव किया, अभी तुम स्वाइप करके एडिट करोगे ना तो योगेश पटेल ऐसा प्लेस होल्डर आ जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट कॉन्टैक्ट, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि जो रो तुम सिलेक्ट करोगे तो एरे डेटा में तुम्हें मिलेगा ना, तो एरे मतलब कॉन्टैक्ट एरे में इंडेक्स पाथ रो, तो मतलब जीरो इंडेक्स पे उसका जो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है वो प्लेस होल्डर हो जाएगा, ऐसा मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों फंक्शन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दोनों को एक में अभी करके दिखा दूंगा, जिससे आपको ईजी हो थोड़ा सा। अभी हमें जब ट्रेलिंग स्वाइप पे जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तब तो हमें सिर्फ उसको अपडेट करना है। तो हम ऐसे अपडेट करते हैं कि सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट कह रहे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और पूरा कॉन्टैक्ट ही दे दो। अभी ऐसा मत करना कि फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू ऐसा करके फर्स्ट नेम, फिर दूसरी लाइन में लास्ट नेम मत लिखना, ऐसा मत करना, पूरा कॉन्टैक्ट ही दे दो उसको, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट ही असाइन कर दो। अभी इसको आप रन करोगे ना तो वो क्या करेगा, अभी जो कॉन्टैक्ट की जो भी वैल्यू आएगी वो उस वाले कॉन्टैक्ट में चली जाएगी। मतलब अगर सोचो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे योगेश पटेल लिखा, ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ मैं, तो योगेश पटेल जो होगा उसमें अभी जो मैं अलर्ट में जो भी मैं डालूंगा वो वाली वैल्यू उस पर चली जाएगी। मतलब अभी सोचो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि क्या नाम दूँ, ओके आकाश दे देता हूँ, आकाश कटोच। इसको सेव किया, देखो ये अपडेट हो गया। तो जो भी कॉन्टैक्ट में अभी नई टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू आएगी ना वो डायरेक्टली जाके यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल एकदम, ठीक है। इस तरीके से तुम अपडेट कर सकते हो। और डिलीट का तो बहुत सिंपल है, डिलीट में कुछ लोड नहीं देना है तुमको। सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट एरे डॉट रिमूव एट इंडेक्स पाथ डॉट रो, मतलब कौन आपको रो मिलेगी वो रो में से कॉन्टैक्ट एरे में से वो रो में से वो डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर सोचो कि जीरो नंबर की रो आई तो एरे में से जीरो नंबर की रो डिलीट हो जाएगी। और आपको याद से टेबल को रिलोड तो करना ही है, वो मत भूलना, वरना डेटा नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे मैंने योगेश पटेल लिखा, बरोबर, इसको सेव करता हूँ और डेटा ऐड करते हैं हम, प्रतीक जोरा करके ऐड कर देता हूँ डेटा, ठीक है। अभी प्रतीक जोरा को एडिट करके प्रतीक की जगह पर मैं पार्थ लिख देता हूँ, पटेल लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। तो यहाँ पे पार्थ पटेल हुआ, योगेश वाले को डिलीट करते हैं, हो गया डिलीट। तो ये हमारा सिंपल क्रड ऑपरेशन है जो टेबल में, अभी भी लोकल स्टोरेज नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अगर फिर से रन करोगे तो डेटा चला जाएगा, क्योंकि ये तो एरे में स्टोर है, तो मेमोरी में से निकल जाएगा अगर तुम उसको बंद करोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा सिंपल सा कोड है जिसमें एडिट में तुमको सिंपली ऐसे अपडेट करना पड़ेगा, एक लाइन में पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो जो कॉन्टैक्ट अभी होगा उसमें अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे पहले आपको टेबल में से रिमूव करना है और फिर सॉरी आपको पहले एरे में से रिमूव करना है, फिर आपको टेबल को रीलोड करना है, ठीक है। अभी गाइस, अभी हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है अलर्ट कंट्रोल का उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये अलर्ट कंट्रोल पूरा, इसमें सिर्फ ये लाइन का डिफरेंस है और नाम का चेंज है सिर्फ, और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्लेस होल्डर में चेंजेस है। तो उसको और इसको दोनों को एक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट कन्फिग्यूरेशन, और उसमें एक बुलियन डाल देता हूँ एज ऐड करके, जो होगा बुलियन वैल्यू कि ऐड हो रहा है कि अपडेट हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। और एक इंडेक्स भेज देता हूँ जो इंटीजर होगी, ठीक है। और जो ये वाला जो कोड था इसको थोड़ा ध्यान से देखना तुम सब, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ तक रखता हूँ। और यहाँ पे ऐसा करेंगे कि अगर ये ऐड हो रहा होगा और एल्स, तो अगर सोचो कि ऐड हो रहा है तो ये अपेंड होगा, वरना ये क्या होगा, अपडेट होगा। इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे भेज दो और यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स पाथ रो की जगह पे इंडेक्स आएगा, जो ये ऊपर से इंडेक्स आ रही होगी वो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम लोगों को, तो उसको थोड़ा अच्छे से देख सकते हो तुम, ठीक है। अभी के लिए शायद ऐसा लगे कि थोड़ा हार्ड होगा शायद, क्योंकि रिड्यूस कर रहा हूँ तो थोड़ा हार्ड लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कि अगर ये इफ
अगर ये ऐड हो रहा है तो जो है वो यही आएगा, एल्स यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट कह रहे इंडेक्स डॉट फर्स्ट नेम, मतलब ये जो इंडेक्स जो मैंने पैरामीटर बनाया है उसमें मैं इंडेक्स पाथ डॉट रो भेज दूंगा, बरोबर। और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये मेरा होगा लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे भी लास्ट नेम आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, तो अगर ये ऐड होगा तो ये फर्स्ट नेम लेगा, अगर एल्स में वो अब फर्स्ट नेम का जो प्लेस होल्डर ले लेगा वो, बरोबर, इस तरीके से होगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा कोड है ना वो पूरा कोड मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टेक्ट कन्फिग्रेशन इज़ ऐड, हाँ ट्रू, क्योंकि मैं अभी कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और इंडेक्स कुछ भी नहीं क्योंकि ऐड के टाइम पे तो इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को, बरोबर। और मैं जाता हूँ एडिट पे, जो मेरा एडिट का है, तो एडिट के अंदर ये जो कोड है वो पूरा कोड जो है मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट कन्फिग्रेशन इज एड फॉल्स और इंडेक्स पाथ डॉट रो, ठीक है। अभी आप देखना जादू, मजा आएगा आपको। एक चीज़ है अभी भी मैंने चेंज नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा योगेश और यहाँ पे मैंने लिखा पटेल, बरोबर, इसको मैंने सेव किया तो योगेश पटेल आ गया। अभी इसको स्वाइप करके एडिट करो इसको, तो यहाँ पे देखो योगेश पटेल प्लेस होल्डर भी आ गया, और इसको अगर मैं एडिट करूँगा तो ये एडिट भी होगा, प्रतीक जोरा, इसको सेव किया, आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो अलर्ट कंट्रोल है, जो दो अलर्ट कंट्रोल था उसका मैंने एक अलर्ट कंट्रोल बनाया, एक फंक्शन के फंक्शन से मैंने क्या किया, इज जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ऐड नहीं होगा, तो सिर्फ फॉल्स जाएगा डायरेक्टली, इस तरीके से मैंने किया इसको। मैं आपको बताता हूँ, देखो सॉरी, तो यू अलर्ट कंट्रोल में ऐड कॉन्टेक्ट और ये वाला जो टाइटल है वो हम चेंज करेंगे अभी। तो मैंने सिर्फ इसमें इतना किया कि अगर ये इज ऐड तभी मैं ट्रू करूंगा जब मैं कॉन्टेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा ना तब इसको ट्रू भेज दूंगा, और यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तब इसको फॉल्स भेज दूंगा, ठीक है। तो जब ट्रू भेजूंगा तो वो अपेंड करेगा कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट को, और वरना वो अपडेट करेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से ही बनने वाला है, ठीक है, तो उसको क्यों हम कंडीशन ले, और वो टेबल को तो रिलोड करना ही है लास्ट में। और इसमें भी ऐसा किया कि अगर ये यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आ रहा है तो ये ट्रू होगा तो प्लेस होल्डर दिखेगा, अगर यहाँ से आ रहा है तो फॉल्स होगा, तो फिर जो भी इंडेक्स में पास करूँगा, मतलब मैंने यहाँ पे जो भी इंडेक्स पास जो ट्रू पास किया होगा उसका वो फर्स्ट नेम ले लेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लेगा, ठीक है। शायद अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट तुम लोग टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट में भेजूंगा ना तो इसको थोड़ा देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये जो पूरा कोड है ना इसको यहाँ से निकाल के नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये होगा ऐड के लिए था। तो आपको है ना, आप उसको देख लेना तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, और ये जो कोड है वो यहाँ से निकाल देता हूँ तो हमें मालूम पड़े ना कि कितने कोड में अपना काम हो रहा है, समझ में आए। ये अपडेट के लिए मैंने लिखा था अलर्ट, ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ मैं, बरोबर, थोड़ा नीचे ऐसा कर देता हूँ। तो बेसिकली अभी मेरे पास सिर्फ एक अलर्ट है, और जब मैं ऐड करता हूँ तब मैं इज एड ट्रू भेजता हूँ, और इंडेक्स कुछ भी नहीं भेज रहा, मतलब जीरो भेज रहा हूँ, ठीक है। और जब एडिट करता हूँ तब मैं इज एड नहीं कर रहा तो फॉल्स भेजूंगा, और जो भी रो होगी वो रो भेज दूंगा, जो भी रो सिलेक्ट हुई होगी उस टाइम पे वो, ठीक है। अभी यहाँ पे ना तुम्हें टर्नरी ऑपरेटर पता हो तो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि अगर इज एड अगर ट्रू है तो है ना ऐड कॉन्टेक्ट होगा, नहीं तो अपडेट कॉन्टेक्ट होगा। इफ एल्स होता है ना, इफ एल्स उसका डायरेक्ट टर्नरी इजी रहता है कि अगर इज एड ट्रू हुआ तो ऐड कॉन्टेक्ट आएगा वरना अपडेट कॉन्टेक्ट आएगा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इफ हुआ इसका मतलब हुआ कि एल्स हुआ। और यहाँ पे भी ऐसा करता हूँ कि इज एड हुआ तो ये जो लिखा है वो आएगा, वरना ये आएगा यहाँ पे कि प्लीज अपडेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इज एड, यहाँ पे होगा जब ऐड होगा तब तो सेव होता था, और वरना वो होगा अपडेट, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपने को है ना कोड थोड़ा सा ज़्यादा अभी रिड्यूस करेंगे, अब तक हम क्या करते थे कि मैं इफ एल्स लगा देता था तुमको लिए तुम्हारे लिए, ठीक है, बट अभी बेसिक बहुत हो गया गाइस, अभी थोड़ा सा हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा अभी। तो अभी मैं ऐसे ही कंसेप्ट डालूंगा जिसमें कोड रिड्यूस होगा, हम रीडेबिलिटी करेंगे, सिंगल टन क्लास वो सब सीखेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं तो सोच रहा हूँ तुम कर सकते हो कि फर्स्ट नेम प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, अगर इज एट ट्रू है
तो यहाँ पे आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम, वरना आएगा सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट एरे इंडेक्स डॉट फर्स्ट नेम, ऐसा कि इज एड होता था। तो इसमें क्या होता है पता है कि ये जो देखो ये जो दोनों चीज़ें उसमें ये वैल्यू सेम ऐड हो रही है, प्लेस होल्डर की हो, हम प्लेस होल्डर को ही हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं बरोबर। तो आप प्लेस होल्डर को एक बना दो, और अगर इज एड ट्रू है तो एंटर योर फर्स्ट नेम वरना लास्ट नेम, वरना सॉरी एंटर योर फर्स्ट नेम या जो एरे में से आ रहा है वो फर्स्ट नेम, तो इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ ठीक है। ऐसा होता है इसमें, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लास्ट नेम प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू फिर से यहाँ पे कि अगर ये ट्रू है तो एंटर योर लास्ट नेम, नहीं तो सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट के अरे इंडेक्स डॉट लास्ट नेम, ऐसा होगा। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ठीक है। तो इसको और इसको दोनों को नीचे रख देता हूँ, मतलब तुम लोग देख सको कि पहले क्या कैसा हमने क्या था और हमने क्या किया बरोबर। क्योंकि यहाँ पे ना कोड कमेंट करूँगा ना ज़्यादा, फिर तो वो लाइन्स ऑफ कोड पड़ेगा ना तो देख समझ में नहीं आएगा फिर अपने को, तो मैं यहाँ पे उसको रख देता हूँ बरोबर। आप लोग इसको देख लेना कि पहले ऐसा इफ एल्स था और हमने उसको एक लाइन में टर्नरी में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था फिर इस तरीके से बरोबर। अभी आप इसको रन करो, एक बात बताता हूँ, जब आप अलर्ट कंट्रोल में टाइटल करते हो ना तो ये सब स्ट्रिंग रिटर्न कह रहा है कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए, इसको भी मैसेज को भी स्ट्रिंग चाहिए, तो हम स्ट्रिंग ही दे रहे हैं ना कि अगर ये ट्रू होगा तो ये ऐड कॉन्टेक्ट वाली स्ट्रिंग जाएगी या अपडेट कॉन्टेक्ट वाली स्ट्रिंग जाएगी बरोबर ना। तो इस तरीके से, तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, स्टार्टिंग में लगेगा बट थोड़ा सा ट्राई करना सीखने का ये, क्योंकि यही सब जरूरी है। तो आप अभी देख सकते हो जब मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ऐड कॉन्टेक्ट आया ठीक है, और सेव बटन आया, और जब मैं इसको एडिट करूंगा देखो अपडेट कॉन्टेक्ट प्लीज अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल और योगेश पटेल, जो मतलब कि जो रो सिलेक्टेड हुआ उसका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो अभी यहाँ पे आ गया ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अभी मैं यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा गैस। अगर मे बी मुझे लग रहा है थोड़े ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड कर देना, आप लोग इसमें ही फोकस देना ठीक है बरोबर। तो इस तरीके से तुम है ना अपडेट ऐड अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और डिलीट डिलीट तो डिलीट में तो कोई चेंज नहीं करना है, वो तो वैसे भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि उसमें तो रिमूव ऐड करना है, इंडेक्स भेज देती है और टेबल को रिलोड कर देना है, तो वो तो वैसे भी सिंपल सा चल जाएगा। तो अभी इसके अंदर है ना क्या चीज़ें पता है गाइस, कि जब तुम लोग क्राउड ऑपरेशन करते हो टेबल यू के अंदर, तो अगर आपको टेबल यू के अंदर क्राउड ऑपरेशन बरोबर से आ रहा है ना तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा आपको डेटाबेस में करने के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं अभी कोई भी डेटा ऐड करता हूँ यहाँ पे ठीक है, इसको सेव किया, मैं इसको फिर से रन करता हूँ ना तो वो चला जाता है डेटा, क्योंकि ना ये मेमोरी में स्टोर होता है, एरे तो मेमोरी में होगा तो ये मेमोरी में स्टोर होगा, लोकल तो स्टोर होगा नहीं डिवाइस में, तो ये दिक्कत है इसमें, तो ये हम रिजोल्व करेंगे। तो अभी काम कितना कम हो जाएगा वो मैं तुमको बताऊँ। देखो तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने कॉन्टेक्ट में अपेंड किया, उसके नीचे अभी डेटाबेस में अपेंड कर दो बस। यहाँ पे तुमने यहाँ पे एरे में अपडेट किया, अभी इसके नीचे तुमको डेटाबेस में अपडेट करना है, और यहाँ पे जो है तुमने डेटाबेस में से तुमने एरे में रिमूव किया ना, तो साथ साथ में एरे में रिमूव करने के बाद उसके नीचे आपको डेटाबेस में से भी रिमूव कर देना है, इतनी चीज़ करनी है बस, बाकी कोई चीज़ नहीं करनी है। मतलब जो ऑपरेशन होते हैं वो तो ऐसे ही होगा टेबल यू के, अभी बस आपको सिर्फ डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है, बाकी ये जो तुमने किया ना वो सब तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अगर क्लियर है ना तो बहुत अच्छी बात है ठीक है। ये बढ़िया है, ये बहुत बहुत काम की चीज़ है और ये आना ही चाहिए अपने लोगों को ठीक है। तो चलो भाई अभी अपने डेटाबेस में मूव होते, अभी रियल एम को बनाना पड़ेगा अच्छे से। तो रियल एम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले तुम लोगों को। रियल एम है ना एक डेटाबेस है, लोकल स्टोरेज है, इसका एडवांटेज ये है कि पता है कि एक एसक्यूलाइट और कोर डेटा से ज़्यादा एफिशिएंस है, स्पीड भी उसकी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा बहुत फटाफट से सेव हो जाता है, फटाफट करता है वो। और एक चीज़ जो अच्छा है कि वो फ्री है, ओपन सोर्स है, तो अपने को ये तो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। और दूसरी बात ये है कोर डेटा में क्या होता है पता है, कोर डेटा है ना वो एप्पल ने जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हमको वो है ठीक है, जो हमको कोर डेटा ने हमको प्रोवाइड करके दिया है ठीक है। अभी इसमें सॉरी है गाइस, मैं 1 मिनट को बंद कर देता हूँ। अभी ना इसमें क्या सीन है पता है कि एप्पल ने हमें कोर डेटा प्रोवाइड किया, अगर सोचो कि तुम कोई ऐप बना रहे हो वो ऐप जो है वो एंड्रॉयड में भी है और आईफोन में भी है, आप एक्सकोड में भी बना रहे हो उसको स्विफ्ट में और एंड्रॉयड में भी बना रहे हो ठीक है, तो कोर डेटा तो अपने ने एप्पल ने प्रोवाइड किया हमें, तो वो लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ठीक है।
बट रियल एम है ना क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो अगर तुम स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हो इस तरीके से कर रहे हो तो रियल एम है तो वो क्या होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म चलेगा, ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। बाकी मैं तुमको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो रियल एम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये मोंगोडीबी के साथ रिलेट करता है ये, तो इसके बारे में तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा तुमको, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए इतना मान के चलो कि रियल एम एक लोकल स्टोरेज है, हमारा डेटाबेस है, जो हमें एफिशिएंटली हमको स्टोरेज करने के लिए उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा मैं इसको कोर डेटा में करने वाला था पहले, बट फिर सोचा कि उसको रियल एम से करते, क्योंकि कोर डेटा मैंने बहुत किया यार, कोर डेटा किया, रिलेशनशिप किया, टेबल दो टेबल का हमने किया, मैंने बोला अभी रियल एम थोड़ा नया ट्राई करते हैं। ओके अभी गाइस है ना, मैं अगर वीडियो स्टार्ट हुआ ना तब हम मैं तुमको डेटा दिखा रहा था जो स्टोर करता था वो, तो उसके लिए तुमको ना ये डाउनलोड करना पड़ेगा रियल एम स्टूडियो को, यहाँ से तुमको उसको डाउनलोड करना है मैक के लिए, तो ये एक पहला डाउनलोड कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ना तुमको सबसे पहले कोकवा पोड आना चाहिए, कोकवा पोड के थ्रू ही हम है ना इसको हम डालेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए है ना यहाँ पे ये पोड है बरोबर, ये भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे ना देखो अभी है ना ये वर्जन डिफाइन करता है, मैं क्या करता हूँ पता है, मैं वर्जन डिफाइन ही नहीं करता, अगर आप ऐसे ही लिखोगे ना डायरेक्ट पोड रियल एम स्विफ्ट तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो डायरेक्टली आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना इतना कॉपी करना, यहाँ पे जाना, अभी जब भी तुम ये करते हो कोकवा पोड को इंस्टॉल करते हो ना तो एक्सपोर्ट को बंद कर दिया करो, ठीक है। अभी ओपन करो ये वाला जो हम देखते थे ना, इसको इसकी बात कर रहा था मैं, इसको जो हम देख रहे हैं ना वो आपको ये हमारा रियल एम स्टूडियो है तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा बरोबर। अभी जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाओ। अभी सब लोग क्या करते हैं कि सीडी ऐसा करते, ऐसा मत करना, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना उसका फोल्डर है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करना और न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करना डायरेक्टली, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सीडी हो गया होगा, ठीक है। आप एलएस लिखोगे तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी, तो अभी यहाँ पे लिखो पोर्ट इनिट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब किसके अंदर पोर्ट फाइल आ जाएगी, उसके बाद इसको ओपन कर दो, ओपन पोर्ट फाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला पोर्ट फाइल और इसको सेव कर दो बरोबर। उसके बाद है ना अभी ना यहाँ पे पोर्ट इंस्टॉल लिखना तुम लोग चलेगा, ठीक है। मेरे पास है ना M1 है, तो M1 हो ना तो आप इस तरीके से लिखोगे ना ये ARM आर्किटेक्चर 8x86-64 वाला ये, और पोर इंस्टॉल करोगे ना तो ये चलेगा, ठीक है। अगर सोचो, अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप ज़्यादा मत सोचना, इसमें रोसेटो ये सब चीज़ें भी नई नई आ गई हैं, तो मेरा एक प्रोजेक्ट था वो मेरा थोड़ा ऑब्जेक्टिव सी में था, तो उसके लिए मेरे को ये सब करना पड़ा था, ठीक है। आप सिंपली पोर इंस्टॉल लिखोगे ना तो आपका हो जाएगा बरोबर, अगर ना हो ना तो ही ये कमांड लिखना, मैं ये दोनों कमांड दे दूंगा, बट आप लोग तो पोर इंस्टॉल ही लिखना, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं, ओके। इसलिए तो इसको पोर्ट इंस्टॉल लिख के एंटर कर देना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले से किया हुआ है ना इसलिए मेरे में टाइम नहीं ले रहा है ये बरोबर, तो इतना चीज़ तुमको पहले करना, याद रखना पोर्ट इंस्टॉल ही लिखना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे अभी एक्सी वर्क स्पेस आ गया होगा, उस ये वाला नहीं, अभी ये वाला वाइट वाला, उसको डबल क्लिक करके ओपन करो, और आई एक्सपोर्ट मैं iPhone 11 सेलेक्ट कर देता हूँ, कमांड शिफ्ट के और कमांड बी कर दो, कमांड क्लीन एंड बिल्ड कर दो, यहाँ प्रोडक्ट में होता है कमांड शिफ्ट के और कमांड बिल्ड, मतलब अपने देख लेते कि कोई एरर वेरर तो नहीं आ रही ना अपने में, इसलिए इसको होने दो भले ही टाइम ले, वो उसको होने दो। मैं तब तक आपको एक बात बताता हूँ, देखो पोर्ड होता है ना पोर्ड, ये तुम्हारी पोर्ड फाइल है जो तुमने अभी पोर्ड डाला ना रियल एम वाला, वो यहाँ पे है, और रियल एम का जो भी सोर्स कोड होता है वो सब यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट सी है, ये स्विफ्ट है, तो हमें रियल एम स्विफ्ट हमें डिफाइन करना है बरोबर। ये रन तो हो गया अपना, अभी है ना मैं ना डायरेक्टली क्या करता हूँ पता है, सिंगलटन क्लास बनाता हूँ जिससे तुमको हेल्प हो समझने में, तो यहाँ पे जाता हूँ, एक न्यू फाइल बनाते हैं, स्विफ्ट फाइल बनाना, इसका नाम मैं दे देता हूँ डेटाबेस हेल्पर बरोबर। यहाँ पे फाउंडेशन की जगह पे यूआई किट करता हूँ, और आपको साथ में इम्पोर्ट कर दो रियल एम स्विफ्ट को, RX स्विफ्ट का रियल एम स्विफ्ट बरोबर। यहाँ पे क्लास लिखो डेटाबेस हेल्पर स्टेटिक लेट शेड डेटाबेस हेल्पर, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपके लिए, प्राइवेट वार रियल एम इज इक्वल्स टू रियल एम, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेव कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। इस तरीके से इतना मैंने किया,
अभी बेसिकली होगा क्या पता है, ये जो सिंगल टंग क्लास होता है वो हम यूज़ करेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट के क्रूड ऑपरेशन के लिए। मतलब मैं रियल में अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ या कुछ अपडेट कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ से ही करूँगा, पूरी सब की सब चीज़ें। ठीक है, ये इसकी सिंटेक्स है। अगर मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट दिखाऊँ तो आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्विक क्विक स्टार्ट है। यहाँ पे स्विफ्ट के लिए सबसे पहले तुमको इम्पोर्ट करना है, उसके बाद तुम्हें क्लास बनाना है। मैं आपको बताता हूँ क्लास कैसे बनाना है। उसके बाद ना तुमको ट्राई लिख के करना पड़ेगा, वरना डू के लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट तुम फोर्सफुली ट्राई करोगे तो चलेगा। ये तुम्हारा है ना लोकली डिफॉल्ट, तुम्हारा हमने उसको रियल आर्म को हमने इनिशलाइज किया है वेरिएबल को। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी यहाँ पे की है। प्राइवेट मैंने इसलिए किया क्योंकि इसी इसके क्लास के अंदर ही मैं इसको यूज़ करूँगा। कोई भी क्लास, ये मतलब ये क्लास का जो ये मेरा वेरिएबल है वो बाहर नहीं यूज़ होगा, इसलिए मैंने प्राइवेट बना के रखा है इसको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एट द रेट परसिस्टेंट लिखा हुआ है, परसिस्टेड। ठीक है, अभी पहले ना ये परसिस्टेंट नहीं आता था। मैं आपको एक मस्त बात बताता हूँ, पहले ना एट द रेट OBGC ऐसा हम लिखते थे पहले। ठीक है, आप यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है। मैं आपको थोड़ा इसका डेफिनेशन बताता हूँ, मतलब ये क्या है, परसिस्टेड क्या है ऐसा। ठीक है, तो पहले ना देखो यहाँ पे लिख, अभी ये जो भी न्यू वर्जन है ना, तो इसमें हम परसिस्टेड लिखते हैं। पहले हम ऐसे लिखते थे एट द रेट OBGC से डायनेमिक रियल एम ऑप्शनल रियल एम प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करते थे, और एट द रेट OBGC से डिक्लेयर करते थे। बट ये एट द रेट परसिस्टेड ने इसको रिप्लेस कर दिया। बरूबर, अ डिक्लेयर मॉडल प्रॉपर्टी दैट यू वॉन्ट टू स्टोर टू डेटा बेस एज अ परसिस्टेड दैट इनेबल देम टू एक्सेस। ये मतलब ऐसा है कि ये जो रियल नाम है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, मतलब उसके लिए यूज़ करेगा। अंडर द हुड वो उसके अंदर कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है, वो अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो भी वेरिएबल बना रहा है तुमको उसको एट द रेट परसिस्टेड आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी खास चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो मैं लिंक दूंगा। तुमको ऑब्जेक्ट से तुमको उसको सब क्लास करना पड़ेगा, मतलब इसका सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर वो लोग उसके हिसाब से कुछ कर रहे होंगे रियल आर्म में स्टोरेज करने के लिए। बरोबर, और सेल्फ इनिट लिखना पड़ेगा। ये जो बता रहे वो बहुत ज़रूरी है, इसमें से कुछ भी मिस्टेक की तो वो काम नहीं करेगा तुम्हारा, वो एरर देगा तुमको। ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तीन चार चीज़ें। एक तो ऑब्जेक्ट से तुमको कंफर्म करना है, एट द रेट परसिस्टेड तुमको वेरिएबल के साथ लिखना है, कन्वीनियंट इनिट यूज़ करना है आपको। ठीक है, और सेल्फ इनिट आपको करना है लास्ट में। तो मैं जाता हूँ मेरे क्लास में, जो मैंने क्लास बनाया था, बरोबर, वहाँ पे पहले जाता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट से उसको सब क्लास कर देंगे पहले तो। ओके, उसके उसके लिए तुमको है ना यहाँ पे रियल आर्म यूज़ करना पड़ेगा, रियल आर्म स्विफ्ट। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे परसिस्टेड होगा मेरा वेरिएबल दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वीनियंट इनिट यूज़ करना है तुमको, और यहाँ पे तुमको यूज़ करना है सेल्फ डॉट इनिट, जो उसका इनिट होगा उसका इनिट होगा। ठीक है, इतना करना है पहले। बरोबर, एक बार अपने देख लेते हैं इसको कि अपने बरोबर किया कि लोचे। तो कन्वीनियंट किया, इस सेल्फ डॉट इनिट किया, ये हमने किया। बरोबर, अभी तुम नीचे जाओगे ना तो बस इतना ही लिखना है तुमको, हर बार तुमको है ना ये ब्लॉक में ही लिखना है कि लोकल रियल आर्म राइट, और उसमें ऐड करना है, मतलब ये ऐड हो गया तुम्हारा लोकल डेटाबेस में, तुम्हारा रियल आर्म स्टोर हो गया, बस एक लाइन का कोड है। बट जब भी करो तब इस ब्लॉक में करना, ठीक है, ये याद रखना। इतना हो गया, अभी है ना ये डेटाबेस हेल्पर में जाते हैं। देखो, अभी यहाँ पे ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, जो वेरिएबल है वो हमें यूज़ करना है, मतलब डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर, उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगलटन क्लास का मतलब ये होता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरा क्लास का जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन मेथड आपने बना रहे हो, वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट भेजूंगा, कौन सा कॉन्टेक्ट आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा रियल आर्म डॉट राइट, और यहाँ पे होगा रियल आर्म डॉट ऐड। ऑब्जेक्ट में आपको अपना कॉन्टेक्ट भेज दो, जो भी कॉन्टेक्ट आपको ऐड करना है वो। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, गेट डॉक्यूमेंट, नहीं सॉरी, डेट गेट डेटाबेस URL। बरोबर, तो यहाँ पे ना तुमको URL रिटर्न होगा, मैं ऑप्शनल URL रिटर्न होगी इसमें एक्चुअली। मतलब कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा डेटा सेव हुआ, उसके लिए हमें पाथ तो चाहिए होगा ना डेटाबेस का, तो वो है ये। तो आपको याद रखना यहाँ पे कैपिटल में रियल आर्म लिखना है, डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट फाइल URL। इससे तुम्हें ना डेटाबेस का पाथ पता चलेगा कि कहाँ पे रियल आर्म स्टोर है। ठीक है, मैं ऐप डेलीगेट के अंदर जब भी मेरी ऐप रन होगी डिट फिनिश में इस पाथ को प्रिंट करवा देता हूँ। बरोबर, तो इफ लेट URL इज इक्वल टू डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर डॉट गेट डॉक्यू डेटाबेस URL, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ
कि मेरा जो डेटाबेस यूआरएल है वो ये यूआरएल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिंगलटन क्लास को यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट डेटाबेस हेल्पर डॉट करके गेट डेटा नहीं आएगा, तो आपको फिर इसमें ना प्रॉब्लम क्या होता है कि डेटाबेस हेल्पर डॉट करोगे ना तो गेट करके कुछ नहीं आएगा, ऐसे एरर होगी, ये बरोबर नहीं है। तो आपको उसको अलोक इनिट करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो अलोक इनिट जो आप कर रहे हो ना, डेटाबेस को जो इनिशलाइज कर रहे हो ना, वो इसके अंदर हो जाता है पहले से ही। इसलिए हम डायरेक्ट शेयर करके हमने स्टेटिक इसलिए बनाया कि हम डेटाबेस हेल्पर डॉट करके यूज़ कर सके। अगर स्टेटिक वेरिएबल नहीं बनाओगे तो तुम्हें एलोकेट करने के बाद यूज़ करना पड़ता, ठीक है। पर ये स्टेटिक हमने की यूज़ की है तो इसीलिए है ना ये डायरेक्टली मुझे शेयर मिल जाता है, डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो स्टेटिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जो क्लास होता है ना उसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं, उसका नाम लिख के डॉट करके डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए हमें ना इस तरीके से उनको इसको यूज़ करते हैं। तो सिंगलटन क्लास में कैसा होगा कि शेयर जो है हमारा डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर, इसी के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा यार कि मैं अभी हेल्पर इसमें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं व्यू कंट्रोल में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट में कहाँ पे भी तुम्हें कॉन्टेक्ट को सेव करना पड़ेगा तो तुमको सब जगह पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हेल्पर क्लास इसमें हेल्प करेगा हमारा। तो ये जो होता है ना उसको हम सिंगलटन क्लास कहते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन देसी लैंग्वेज में आपने मैंने बताया तुमको, ओके। तो ये ऐप डेलीगेट में जब भी डिड फिनिश कॉल होगा तो मेरा यूआरएल मुझे प्रिंट करके देगा। अभी मैं डायरेक्ट जाता हूँ व्यू कंट्रोल में, ठीक है। व्यू कंट्रोल में ना जहाँ पे ऐड होता है वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कि डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर इंस्टेंस डॉट सेव कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट भेज दूंगा। डन, मज़ा आएगा देखना। अभी इसको रन करो, क्या हुआ भाई? ओके, आ गया। पहले तो ना कंसल में जाते हैं और ये रहा पाथ, डेटाबेस यूआरएल मेरा पूरा, बरोबर। तो ना मैं क्या करता हूँ पता है, मैं ये ना जो यूज़र के बाद का एक स्लैश है ना उसको ही उसके उतने तक करना, ये एक स्लैश तक करना, ठीक है। फिर इस पर राइट क्लिक करना, सर्विस शो इन फाइंडर आएगा उसमें डायरेक्ट कर देना, बरोबर। दो स्लैश मत लेना यार, एक ही लेना, वरना शो इन फाइंडर नहीं काम करेगा। अभी तुम यहाँ पर जाओ, इसको डबल क्लिक करके ओपन करो, इसको क्लोज कर दे पहले वाला। ये यार ना थोड़ा टाइम लेता है ये, तो इसको थोड़ा सा लोड होने दो। देखो अभी कॉन्टेक्ट है जो हमारा क्लास का नाम है, मतलब हमारा मतलब टेबल का नाम है कॉन्टेक्ट, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रिंग है, बरोबर। अभी फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, अपने अभी ऐड करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ ना पहले, तुम लोग तुम्हारा लिख देना। तो मैं यहाँ पर योगेश लिखता हूँ, यहाँ पर पटेल लिखता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पर आ गया ये, अभी इसको रन करो बंद करके। आ गया, योगेश पटेल नहीं आया, सॉरी, हमने गेट तो नहीं किया, नहीं पोपट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मतलब कि हेल्पर में स्टोर हो रहा है वो, ठीक है। भले हमको अभी गेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बस स्टोर तो हो रहा है वो, अभी गेट करते हैं उसको। चलो हेल्पर में जाते हैं और यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कि गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा क्लास है ना उसका एरे ही मेरा कॉन्टैक्ट का एरे है, तो वही एरे मेरा मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, बरोबर। मतलब ये व्यू कंट्रोल में मैंने बनाया है ना कॉन्टेक्ट का एरे, तो वही मुझे रिटर्न करना है, बरोबर। तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ रीअलार्म डॉट ऑब्जेक्ट्स। ये तुमको है ना पूरा रिजल्ट देगा, पूरा जो भी आप लिखोगे उसका पूरा रिजल्ट देगा, पूरा एरे रिटर्न करेगा। तो तुम्हारा जो भी नाम है वो डॉट सेल्फ करना है आपको, ठीक है। पर अभी एक एरर आएगी इसमें मस्त वाली, ये ऐसा बोल रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू रिजल्ट कॉन्टैक्ट टू ये कॉन्टैक्ट, मतलब इसका जो है ना ये टाइप में ये मुझे रिटर्न कर रहा है और मुझे ये टाइप में चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है, बरोबर। तो फिर मैंने देखा था कि जो रियलम का जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें से मुझे मेरे स्विफ्ट में एरे में कन्वर्ट करना, तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, आगे एरे लिख दो तो वो आ जाएगा, बस इतना करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा डेटाबेस का जो भी टेबल में जितने डेटा होगा सब डेटा तुमको दे देगा, तुमको तुम्हारा जो क्लास का नाम है डॉट सेल्फ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिंक दूंगा, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे है भाई ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको लिखना होगा, तो पूरा सब कुछ सारे कॉन्टेक्ट मेरे को गेट करके देगा। तो व्हील व्यू यहाँ पे डिड लोड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो जब क्योंकि कॉन्फ़िगर कॉल होगा ना डिड लोड में, इसलिए कि कॉन्टेक्ट कह रहे इज इक्वल्स टू डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट। तो इसको सारे कॉन्टैक्ट अभी मिल जाएंगे, अभी अपना योगेश पटेल आएगा, ये
ठीक है। अभी मैं कोई भी ऐड करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया राकेश, ऐड कर देता हूँ राकेश पटेल, ऐसा कर देता हूँ और सेव करता हूँ। आ गया राकेश यहाँ पे, यहाँ पे भी आ गया। अगर इस ऐप को मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है, और मैं फिर से इसको ओपन करूँगा, तो यहाँ पे राकेश आ रहा है। अगर आप इसको फिर से रन करोगे तो फिर भी राकेश और योगेश होगा, क्योंकि वो टेबल में हमने मतलब हमने रियल में स्टोर किया है। तो ये है भाई, भाइयों ये चीज़ अपने को सीखना है, बरोबर। तो ये अपना हो गया कि कैसे फैच करेंगे कॉन्टेक्ट को और कैसे ऐड करेंगे कॉन्टेक्ट को, ठीक है, हेल्पर क्लास से। तो ये चीज़ हमको इसके थ्रू हो गई, मतलब एक मस्त क्लास बना दिया। आप इसी क्लास को यूज़ करना आप लोग। अभी हम बात करते हैं, चलो पहले डिलीट करते हैं, अपडेट का ना मस्त है, तो मैं बाद में बताता हूँ। तो डिलीट करते हैं पहले, तो फंक्शन डिलीट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे तुम कॉन्टेक्ट भेज दो, तुम्हारा जो भी कॉन्टेक्ट है वो, ठीक है। मैंने जैसे बोला तुमको, तुम्हारे ब्लॉक में इसको लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, राइट वाले। तो यहाँ पे तुमको लिखना है रियल एम डॉट डिलीट ऑब्जेक्ट, तो जो भी कॉन्टेक्ट होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ऐसा होगा कि जो भी कॉन्टेक्ट भेजोगे वो कॉन्टेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट भेजोगे वो कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा, तो अपडेट में भी कॉन्टेक्ट भेजेंगे तो वो हो जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे जाते हैं, तो पहले ही ना याद रखना, ये डिलीट पहले डेटाबेस में से डिलीट करना, फिर एरे में से डिलीट करना, ठीक है। तो डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर डॉट डिलीट सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट एरे इंडेक्स पाथ डॉट रो, ठीक है। मतलब जो भी एरे सिलेक्ट होगा, मतलब अगर जीरो इंडेक्स से सिलेक्ट होगी तो वो वाला एरे में से जीरो वाले इंडेक्स का जो भी कॉन्टेक्ट होगा वो वहाँ पर चला जाएगा। तो अगर अभी अगर आप इसको रन करोगी, और यहाँ पर अगर मैं योगेश को मैं अगर डिलीट करूँ, गया, इसको आप फिर से रन करो तो वो चला गया होगा वो, ठीक है। अगर समझ में ना आ रहा हो भाइयों, तो मैं यहाँ पे तुमको प्रिंट करके देता हूँ। मतलब जो हमारा कॉन्टेक्ट एरे है ना, कॉन्टेक्ट एरे, उसमें से जो भी होगा वो, मतलब कॉन्टेक्ट एरे में जीरो इंडेक्स पे जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा होगा अभी। तो यहाँ पे मैं जैसे डिलीट करूँगा तो देखो यहाँ पे गया, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, राकेश फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम पटेल था, वो वाला सिलेक्ट हुआ। तो कॉन्टेक्ट एरे में से जीरो जीरो इंडेक्स है, इंडेक्स पाथ डॉट रो जीरो होगा, तो उसमें से पहले डेटाबेस में से रिमूव किया और फिर एरे में से रिमूव किया, फिर टेबल को रीलोड किया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया होगा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा अभी के लिए, बरोबर। अभी बात करते हैं अपडेट की। अपडेट के लिए मैंने तुमको बोला था मैं क्लास बताऊंगा, क्लास है ना रेफरेंस होता है, बरोबर। अगर तुमने क्लास जो बनाया वो तुमने रियल एम का बनाया अभी, तो रियल एम का टेबल का ही क्लास है पूरा तुम्हारा, तो तुम सिर्फ टेबल में, तुम सिर्फ एरे का कुछ मत करना, तुम क्लास में ही सिर्फ वैल्यू है ना असाइन कर दोगे ना इस तरीके से, मतलब ऐसे इसने जो किया है ना ऐसा कि टास्क टू अपडेट स्टेटस, मतलब जो एरे है ना तुम्हारा कॉन्टेक्ट का, उसको सिर्फ अपडेट कर दोगे ना तो वो हो जाएगा। मतलब तुम, मतलब कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पता, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, देखो पहली बात तो तुमको समझना पड़ेगा यार एक चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। सब अपडेट में सब लोग बहुत गलती करते हैं। तो जैसे कि सोचो कि यहाँ पे योगेश पटेल है, बरोबर। तो अभी मेरे पास ओल्ड जो है वो योगेश पटेल है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एडिट करूँगा और मैं न्यू बनाऊँगा, जैसे कि सोचो कि मैंने यहाँ पे प्रतीक बनाया, बरोबर। तो प्रतीक जो होगा वो न्यू कॉन्टेक्ट होगा मेरा अभी इसके लिए, ठीक है। तो मेरे को दो कॉन्टेक्ट चाहिए होंगे, एक तो ओल्ड जो अभी योगेश पटेल है वो मेरा ओल्ड होगा, और न्यू जो अभी उसको ओवरराइड करने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है पहले। तो फंक्शन अपडेट कॉन्टेक्ट, ठीक है, पहले वाला होगा जो ओल्ड कॉन्टेक्ट, मतलब ओल्ड वाला कॉन्टेक्ट जो पहले से स्टोर था वो भेजो, और न्यू कॉन्टेक्ट जो अभी आपको उसको ओवरराइड करना है वो। तो टोटल दो कॉन्टेक्ट हुए, ठीक है। फिर से याद रखना, उसको रियल एम के ब्लॉक में रखना है तुमको, वो भूलना मत, ठीक है, राइट कर लो उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड कॉन्टेक्ट में आपको ओवरराइड करना है, तो उसका फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अभी न्यू कॉन्टेक्ट का जो भी फर्स्ट नेम आ रहा है वो, और ओल्ड कॉन्टेक्ट डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट का जो भी लास्ट नेम आ रहा है वो। मतलब ऐसा सीन होगा कि यहाँ पे होगा योगेश, ठीक है, और यहाँ पे होगा प्रतीक। तो मतलब कि अभी ये जो प्रतीक है वो योगेश को निकाल के प्रतीक आ जाएगा, मतलब लास्ट में भी प्रतीक बचेगा, ठीक है। तो ये बॉस है, तो ये होगा हमारा बॉस, बरोबर, ये होगा लेटेस्ट हमारा, ठीक है। तो व्यू कंट्रोल में जाओ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता था कि क्लास रेफरेंस टाइप है, तो अभी तुमको इस तरीके से एरे में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर वो रेफरेंस टाइप है तो क्लास में ही आप अपडेट कर लोगे ना, क्योंकि ये क्लास में ही अपडेट होगा, क्लास के वेरिएबल ही ये, तो कॉन्टेक्ट का वेरिएबल है, तो क्लास का वेरिएबल में अपडेट होगा ना, तो वो अपडेट ऐसे भी कर देगा वो। तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर डॉट अपडेट कॉन्टेक्ट
तो यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्ट मतलब हमारा अभी जो था, अभी जो है जो कॉन्टेक्ट कह रहे और इंडेक्स, ठीक है, और न्यू कॉन्टेक्ट जो अभी कॉन्टेक्ट आएगा वो, मतलब जो अभी टेक्स्ट फील में जो वैल्यू होगी वो न्यू कॉन्टेक्ट होगा, और ऑलरेडी जो वैल्यू है वो हमारा ओल्ड कॉन्टेक्ट होगा, तो वो वैल्यू असाइन कर देगा अपडेट कॉन्टेक्ट में। तो आप इसको अब रन करोगे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रतीक, प्रतीक जोरा, सेव करते हो, सेव करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। अभी प्रतीक है तो प्रतीक की जगह पे मैं अश्विंदर लिख देता हूँ, अश्विंदर सिंह। तो अपडेट किया, अश्विंदर आ गया, और यहाँ पे डेटा बेस में देखना वो अश्विंदर आ गया होगा। तो अगर मैं अश्विंदर की एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं शिवम लिख देता हूँ कि शिवम पटेल, तो ये अश्विंदर की जगह पे शिवम आ जाएगा। डन, इस तरीके से तुमको करना है। तो ये तुम्हारा अभी फाइनल हो गया, कि आप इस करके स्वाइप में डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है वो, ठीक है, और आप राइट क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। मैं 456 456 लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आप फिर से अगर ऐप को क्लोज करके अगर आप आओगे फिर से, ठीक है, तो फिर भी वो रहेगा क्योंकि वो डेटाबेस में लोकल स्टोर हो रहा है। तो गाइज ये हमें सीखना था, बरोबर। तो यहाँ तक रखता हूँ, अगर तुम लोगों को ये सेम चीज़ स्विफ्ट यूआई में भी सीखनी है तो मेरे को बोलना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये जो भी हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज जो हमने टूडू ऐप में किया वो मैं स्विफ्ट यूआई में भी बना सकता हूँ, मैंने किया है वो, तो मुझे वो आता है, ठीक है। तो मैं अभी स्विफ्ट का थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ मैं, तो उसमें भी जैसे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे मुझे पता चल जाएगा ना कि रिड्यूस हो रहा है, कैसे रीडेबल करते हैं। उसमें बेसिकली सब व्यू के ऊपर है, सब रो और कॉम्पोनेंट को अलग करके ऐसा करना पड़ता है, तो वो मैं थोड़ा देख रहा हूँ मैं अभी। तो बेसिकली कैसे आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा, हमने टू डू एप्लीकेशन किया विथ लोकल स्टोरेज किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रियल एम का डेटाबेस हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और अगर तुम लोगों को कोर डेटा से करना हो तो मैंने बहुत वीडियो कोर डेटा का बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लेना, और आई बटन में भी मैं देता रहूँगा लिंक को, ठीक है। तो तुम उसको देख के खुद से इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना अगर हो सके तो, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं एक लास्ट चीज, चलो एक बोनस आपको दे के जाता हूँ। यहाँ पे हमने जब ऐड किया तब हमने इसको इंडेक्स 0 दिया, ठीक है, बट इसकी तो यूज़ हम कर नहीं रहे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं इंडेक्स को 0 ना भेजूँ, मतलब इंडेक्स भेजूँ ही नहीं तो ना चले, तो अगर मैं इंडेक्स निकाल देता था तो वो एरर देता था कि भाई आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स, ठीक है। तो है ना, आप फंक्शन के पैरामीटर में ही इज इक्वल्स टू 0 दे दो तो वो तुमको परेशान नहीं करेगा, बरोबर। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ पे वो खुद से डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू ले लेगा, तुमको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बोनस पॉइंट आपको देके जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे इंडेक्स भेज दो, ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे मत भेजना। मतलब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में वैल्यू दिया उसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्ट कन्फिग्रेशन के दो दो पैरामीटर हुए, अभी दो चीज़ दो दो इनिशलाइजेस हुए, एक सिंपली इज ऐड कर दो तो चलेगा, या इज ऐड और इंडेक्स दोनों करो तो चलेगा, क्योंकि ऐड में तो इंडेक्स की जरूरत थी नहीं, हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स से भेजना था, तो वहाँ पर इंडेक्स नहीं भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा गैप गैप में मैं अभी बना रहा हूँ, बट मैं फिर से अभी कंटिन्यू फटाफट चालू कर दूंगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे तुमको हेल्प हो। तो गाइस बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना यार, कमेंट करना, शेयर करना अपने iOS ग्रुप में, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिले, ठीक है। बस यहाँ तक रखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ काम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो फिर मिलता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर।